या ये डॉज, डॉज का रिव्यू करें जी। 13 मॉडल है और 1000 दिनार इसकी डिमांड है। देखें जी डॉज चारों तरफ से देखें, अच्छी कंडीशन में है डॉज, टोटल जेन्युइन कंडीशन में है माशाल्लाह। 13 मॉडल निसान पेट्रोल, अंदर से भी इसको देखें माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। रिव्यू कराता हूँ आपको, इंटीरियर भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह 650 दिनार मांग रहे हैं जी इसका, निसान 2014 मॉडल, साफ सुथरी कंडीशन में माशाल्लाह। 350 दिनार निसान सनी 2008 मॉडल, ये एफ जे जीप है टोयोटा की माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है ये। और ये मॉडल है 2009 मॉडल है ये, और इसकी 2700 दिनार कुवैती दिनार जो है वो इसकी डिमांड है। ये जी जीप टोयोटा कंपनी की है ये, गलबन 2007 मॉडल है, और ये और इसकी डिमांड है जी 2700 दिनार, और 6200 दिनार जो है वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। 18 मॉडल है, फॉर्च्यूनर, टोटल जेन्युइन है, कोई पीस भी इसका पेंट नहीं है। कुवैत में मैं आपको गाड़ियों की प्राइस बता रहा हूँ जनाब, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे, हर किस्म की गाड़ी आपको मिल सकती है, यानी कि कंप्यूटराइज आप इसको चेक करवा सकते हैं। अंदर से भी इसकी कंडीशन देखें, 2005 मॉडल प्राडो, और 2250 दिनार कुवैती दिनार इसकी डिमांड है। फॉर्च्यूनर की जो है वो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में काफ़ी डिमांड है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम करते हैं जनाब आपको कुवैती व्लॉग्स चैनल में। मैं हूं अबू उमर और आप देख रहे हैं कुवैती व्लॉग्स। मैं आ गया जो कुवैत गाड़ियों के जुम्मा बाजार में, और आज मौसम जो है यहाँ पर बारिश का है, तो ये सहरा टाइप इलाका है जहाँ पर ये गाड़ियों का जुम्मा बाजार लगता है। तो रास्ते में काफ़ी जो है पानी की वजह से कीचड़ था, अपनी गाड़ी मैंने दूरी खड़ी कर दी, ये मुझे बुला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये मिस्र के रहने वाले हैं, गाड़ी लेने आए हुए हैं, तो मुझसे मुलाकात होगी इधर। तो ये गाड़ियों के जुम्मा बाजार में मैं आ चुका हूँ जी, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ और उनकी कीमतें बताता हूँ आपको। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और दोबारा गाड़ियों की प्राइस और गाड़ियाँ देखने का जो वो कमेंट में लोगों ने कहा है, तो आज मैं फिर आ गया हूँ गाड़ियों के जुम्मा बाजार में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, सबसे पहली गाड़ी जो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है जी, कौन सी गाड़ी आपको दिखाऊँ सबसे पहले। ये है जी प्राडो 2005 मॉडल, सबसे पहले मैं इसका रिव्यू कराता हूँ आपको। 2250 दिनार इसका मांग रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन है इसकी, इसका सिर्फ जो है एक पीस जो है वो पेंट है जी, एक साल की गाड़ी की पासिंग भी है, शर्तुल फहस, यानी कि कंप्यूटराइज आप इसको चेक करवा सकते हैं। अंदर से भी इसकी कंडीशन देखें, 2005 मॉडल प्राडो, और 2250 दिनार कुवैती दिनार इसकी डिमांड है, और 1900 दिनार इसकी प्राइस जो है वो लग चुकी है। बहुत माशाल्लाह साफ सुथरी गाड़ी है, इंजन भी बहुत साफ सुथरा है, और बॉडी वाइज भी एक पीस जो है वो इसका सिर्फ पेंट है, बाकी सारी ओरिजिनल है। प्राडो 2005 मॉडल है जी। इसके बाद मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ जी। बारिश लग गई है जी बड़ी तेज़, और यहाँ पे जो है ओले भी पड़ रहे हैं बर्फ़ के। फ़िलहाल तो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए, बारिश रुक गया तो फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो अभी बारिश जो वो थोड़ी हल्की हुई है, एक साइड से जो थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है। अब दूसरी गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको, हुंडई, ये हुंडई है 2015 मॉडल है ये, और इंजन भी इसका साफ़ सुथरा है माशाल्लाह, और बॉडी वाइज भी साफ़ सुथरी है। हुंडई 2015 मॉडल है, और 1800 कुवैती दिनार जो है वो इसकी डिमांड है। अंदर से भी मैं इसकी पोजीशन दिखाता हूँ, माशाल्लाह अंदर से भी साफ़ सुथरी गाड़ी है, ये देखें जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन पोजीशन में माशाल्लाह। 2015 मॉडल है, और 1800 कुवैती दिनार इसकी डिमांड है जी। कुवैत में मैं आपको गाड़ियों की प्राइस बता रहा हूँ जनाब, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे, हर किस्म की गाड़ी आपको मिल सकती है, GMC क्रूज़र, प्राडो, फोर्ड, और BMW, लेक्सस, मर्सिडीज़, हर किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे सेल होने के लिए आती हैं, और अक्सर जो लोग हैं वो यहाँ पे
अजनबी लोग जो हैं वो गाड़ियां सेल करने के लिए आते हैं और परचेज करने के लिए आते हैं, और कुवैती लोग जो हैं वो तो माशाल्लाह हाई फाई किस्म की गाड़ियां रखते हैं। अक्सर कुवैती भी होते हैं जो अपनी गाड़ी जब सेकेंड हैंड हो जाती है तो बेचने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अक्सर जो हैं वो यहाँ पर अजनबी आते हैं। अगली गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर की जो है वो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में काफ़ी डिमांड है। ये 18 मॉडल है और इसकी जो है वो 6,200 कुवैती दिनार इसकी प्राइस है। माशाल्लाह अंदर से भी साफ़ सुथरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर से इसकी पोजीशन देखें जी, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन गाड़ी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, और 6,200 दिनार जो है वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। 18 मॉडल है, फॉर्च्यूनर, टोटल जेन्युइन है, कोई पीस भी इसका पेंट नहीं है। ये फॉर्च्यूनर है जी, 2018 मॉडल, 6,200 कुवैती दिनार इसकी डिमांड है जी। ये FJ जीप है टोयोटा की, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है ये, और ये मॉडल है 2009 मॉडल है ये, और इसकी 2700 दिनार कुवैती दिनार जो है वो इसकी डिमांड है। अंदर से भी मैं इसकी आपको पोजीशन दिखाता हूँ। माशाल्लाह साफ़ सुथरी गाड़ी है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है बिल्कुल, और 2,700 दिनार इसकी डिमांड है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, माशाल्लाह साफ़ सुथरी गाड़ी है, ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई भी पीस इसका पेंट नहीं है। FJ टोयोटा की जीप है ये अमेरिकन स्टाइल जीपों की शेप में आ रही है ये। अब दिखा रहा हूँ जी आपको निसान पेट्रोल 2013 मॉडल। चारों तरफ से गाड़ी की पोजीशन देखें, माशाल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। इंटीरियर भी मैं इसका आपको दिखाता हूँ, और ये 4,200 दिनार इसकी अभी तक कीमत लग चुकी है और ये सेल नहीं कर रहे। टोटल जेन्युइन कंडीशन में है माशाल्लाह, 13 मॉडल निसान पेट्रोल। अंदर से भी इसको देखें, माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। चारों तरफ से देखिए आपने, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है और साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। ये 4,200 दिनार तक इसकी बोली लग चुकी है और वो नहीं बेच रहे, और शर्तुल फहस है ये, अगर कोई भी आदमी इसको ख़रीदना चाहे तो। सॉरी, 4,200 दिनार तक इसकी कीमत लग चुकी है और ये मांग रहे हैं 4,500। साफ़ सुथरी गाड़ी है माशाल्लाह। एक और फॉर्च्यूनर आपको दिखा रहा हूँ जी, 2020 मॉडल है, माशाल्लाह साफ़ सुथरी कंडीशन में है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही कम गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंट वगैरह हों, बाकी अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो ओरिजिनल कंडीशन में होती हैं। माशाल्लाह ये भी नीट एंड क्लीन गाड़ी है, साफ़ सुथरी है। अंदर से भी इसका व्यू करें, 2020 मॉडल है, 6,500 दिनार इसकी डिमांड है। लॉक खोल, अंदर से भी इसकी सारी कंडीशन देखें, माशाल्लाह साफ़ सुथरी है, ओरिजिनल कंडीशन में है। 2020 मॉडल, 6,500 दिनार इसकी डिमांड कर रहे हैं, और अगर किसी भाई ने लेनी हो तो वो बोल रहे हैं जी डिस्काउंट भी हो जाएगा। टायर भी अच्छी कंडीशन में है इसकी, फॉर्च्यूनर 2020 मॉडल। आज बारिश की वजह से जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे कम आई हैं, क्योंकि ये सहरा टाइप इलाका है तो रास्ते में थोड़ा कीचड़ सा भी बन जाता है। वैसे तो कुवैत के रोड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, तो ये जो एरिया खाली है सहरा टाइप है, यहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ियाँ ख़रीदने और बेचने के लिए लेके आते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की गाड़ी का रिव्यू चाहिए, मैं उसी टाइप की गाड़ियों का रिव्यू कराऊंगा। सस्ते से सस्ते गाड़ी भी यहाँ पे मिल जाती है और महंगी से महंगी गाड़ी भी यहाँ पे मिल जाती है, हर किस्म की हर मॉडल की गाड़ी यहाँ पे मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरह की गाड़ी जो है वो आप देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी तरह का रिव्यू कराऊँगा मैं आपको इंशाल्लाह। यहाँ पर टोयोटा और टोयोटा आम, ये जो नॉर्मल कार है इससे लेकर प्राडो क्रूज़र तक हर किस्म की गाड़ी फॉर सेल होती है। अभी मैं आपको एक और गाड़ी का रिव्यू कराता हूँ जी, ये देखें जी, ये निसान है कार, इंजन की कंडीशन भी इसकी ठीक है और बॉडी वाइज भी ठीक है। 14 मॉडल है ये निसान, और अंदर से भी मैं इसका रिव्यू कराता हूँ आपको, इंटीरियर भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह 650 दिनार मांग रहे हैं जी इसका,
निसान 2014 मॉडल, साफ सुथरी कंडीशन में माशाल्लाह, और इंटीरियर भी सारा इसका माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अक्सर जो गाड़ियाँ आती हैं तकरीबन 100 में से 95% वो ऑटो ही आती हैं, मैनुअल गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं। 2014 मॉडल 650 दिनार मांग रहा है जी, 650 दिनार, 650 दिनार की निसान 2014 मॉडल। ये देखें जी निसान है, 2008 मॉडल है और इसका 330 दिनार मांग रहे हैं जी। निसान 2008 मॉडल, निसान सनी है ये, निसान सनी है ये। अंदर से भी इसकी पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको, इतनी हाई फाई नहीं है लेकिन ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन है। निसान है, निसान सनी है ये, और ये ज़बरदस्त कंडीशन में है। ये 350 दिनार इसका मांग रहा है जी, 350 दिनार निसान सनी 2008 मॉडल। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि आपको सस्ती से सस्ती गाड़ी भी मिल जाती है और महंगी से महंगी गाड़ी भी आपको मिल सकती है यहाँ से। यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी जो है वो बिकने के लिए आती है, जीप टाइप कार और हाई किस्म की गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ पे, महंगी भी और सस्ती से सस्ती गाड़ी भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। अब इसका मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ जी। यह डॉज, डॉज का रिव्यू करें जी। 13 मॉडल है और 1000 दिनार इसकी डिमांड है, अलिफ दिनार, 1000 दिनार डॉज, डॉज 2013 मॉडल। देखें जी डॉज चारों तरफ से देखें, अच्छी कंडीशन में है डॉज 13 मॉडल। यहाँ से भी देखें, 1000 दिनार इसकी डिमांड है जी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन में आई है गाड़ी। यह जी जीप RCS ऑफ रोड, टोयोटा कंपनी की आई है गलबन, 2007 मॉडल है और ये, और इसकी डिमांड है जी 2700 दिनार, 2700 दिनार। अंदर से भी इसकी पोजीशन देखें और इसके डोर भी देखें, ये शायद इसने बाहर से ओपन किए हुए हैं, दूसरे दरवाजे भी इसको लग जाते हैं। 2700 दिनार इसकी डिमांड है। ये लेक्सस है जी, 2007 मॉडल है और 1050 दिनार है वो इसकी डिमांड है, लेक्सस। अंदर से भी इसकी कंडीशन देखें जी, इतनी ख़ास नहीं है, नॉर्मल इंटीरियर भी, लेकिन जो है 1000 दिनार मांग रहे हैं लेक्सस। ये इसका रूफ़ भी ओपन होता है ऊपर से, 1000 दिनार इसकी डिमांड है। तो नाज़रीन काफ़ी गाड़ियों का मैंने आपको आज रिव्यू करवाया है, और अगर किसी गाड़ी का रिव्यू आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरह की गाड़ियां जो है वो आप देखना पसंद करते हैं, मैं उस तरह की गाड़ियों का आपको रिव्यू करवाऊंगा। आज जो है मैंने आपको जैसे बताया कि बारिश की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो लोग आज कम आए हैं बारिश की वजह से, इस वजह से गाड़ियों की तादाद यहाँ पर कम है। और अगले जुम्मे में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आपको जिस तरह की गाड़ी का भी रिव्यू करना है आप मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसी तरह की गाड़ियों का रिव्यू आपको करवाता रहूँगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।